नमस्कार, आप देख रहे हैं श्याम न्यूज मैनपुरी और मैं हूं आपके साथ श्याम किशोर यादव। विश्वकर्मा जयंती पर नगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, झांकियों की निकाली झलक, लोगों का किया गया भव्य स्वागत। विश्वकर्मा जयंती की शोभा यात्रा नगर के गेस्ट हाउस से शुरुआत की गई, जो कशवा में ब्लॉक के समीप तक होती हुई नाली रोड से गुजरती बाईपास गोल चक्कर तक पहुंचने के बाद पुनः गेस्ट हाउस में पहुंची। वही शोभा यात्रा में झांकियों द्वारा नृत्य नाच गाने से में लोग झूम रहे थे। शोभा यात्रा का संचालन वीर बहादुर शर्मा ने किया। शोभा यात्रा का समापन मैरिज होम पर ही वापस हुआ। कस्बा घरोर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि उमा शंकर विश्वकर्मा डिप्टी कमिश्नर जीएसटी मौजूद रहे। इस अवसर पर वीर बहादुर शर्मा ने बताया, पौराणिक कथाओं में इस तरह की मान्यता है कि ब्रह्मा जी के निर्देश पर भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए उनको आज के दिन उनकी जयंती पर याद किया जाता है। वही रविवार को विश्वकर्मा समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें राधे कृष्णा की झांकी में भोले बाबा का अखाड़ा शोभायमान हो रहा था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उमा शंकर विश्वकर्मा डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष चेतेंद्र जैन व जयदेव दीक्षित ने विश्वकर्मा की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करते हुए पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम के शुभारंभ में पूर्व समाज के वृद्धजनों आगंतुकों का सम्मान युवाओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए लोगों ने कहा कि सृष्टि रचयिता भगवान विश्वकर्मा को शव नयन नमन करते हैं, क्योंकि अगर विश्वकर्मा जी नहीं होते तो शायद यह पौराणिक रचनाएं नहीं हो पाती। इसलिए हम सबके आराध्य विश्वकर्मा जी को हम सबको पूजना चाहिए। नगर पंचायत अध्यक्ष जयंती जैन ने कहा, ऐसे कार्यक्रम आयोजित महामाना को मजबूती से प्रदान करते हैं। अपने आराध्य को याद करना हम सबकी उत्तरदायित्व है। ब्रह्मांड के पहले इंजीनियरिंग कहा जाता था भगवान विश्वकर्मा को। कार्यक्रम के समाज के लोगों ने पत्रकार और अतिथियों का सम्मान किया।